the best cook. Best girl, best, best. I'm so blessed to have Archer in my life, guys. I can't tell you. इसमें भी मशरूम उग रहे हैं। अबे कुछ नहीं है, वो बस गंदगी है। Hey guys, welcome to another vlog, welcome to another day. और Saturday है, काफी अच्छा। यार तुम बीच में हल्ला क्यों कर देती हो यार बेब? तो आज सैटरडे है और काफी अच्छा दिन मुझे ऐसा लग रहा है, फील बहुत अच्छी आ रही है आज के दिन की। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त की एक बाइक उठा के मैं और आंचल चले जाएं कहीं। बेब, कैन वी डू दैट टुडे? इज इट पॉसिबल? बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12 o'clock, 12 noon. गिव मी अ प्लान फॉर द डे, मुझे एक प्लान दे दो, आइटिनरी सैटरडे की। क्या हो गया? Disgusting. आंचल बहुत गुस्सा हो जाती है अभी, उसको कभी भी कोई ऐसा उल्टी का शॉट या खांसते हुए, थूकते हुए, पानी पीते हुए, उसको लगता है कि वो हमेशा विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल लगे और जब चल के आ रही है तो एकदम बस दोस्तों ये सुन रहे हैं आप तो, जहां मैं रहता हूं इतनी प्यारी जगह है क्योंकि यहाँ हमारे चारों तरफ ना चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। मैं हर बार अपने वीडियोस में ये जरूर बातें करता हूँ क्योंकि कोई धर्म बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, गुरुद्वारे जाना हो, कभी भी जा सकते हैं, कि नहीं बेब? हाँ, वैसे मैं अभी तक गया नहीं हूँ एक भी बार। मशरूम्स आपने देखे, मशरूम्स कितने बड़े हो गए, सारे अपडेट दे दे रहा हूँ। अभी खाने वाने की कुछ तैयारी होगी, आई थिंक भिंडी आलू, नहीं आलू पराठा। आंचल को टॉमियम चाहिए, आंचल को टॉमियम चाहिए, मुझे आलू पराठा चाहिए और घर में भिंडी पड़ी है बहुत टाइम से, तो वो बननी है वरना खराब हो जाएगी। तो जैसे मम्मियां होती ना, मैं वैसा हूँ कि नहीं यार ये सब्जी खत्म करनी है, ये करना है। और ये वो छोटा जो स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं ना घर में, टॉमियम के लिए रो रहे हैं, नूडल्स के लिए रो रहे हैं। चलो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए बनाना है क्योंकि मेरे को खाना बहुत जरूरी है, खाना नहीं खाया तो फिर मुझे एकदम बीटी हो जाएगी। क्या मस्त टमाटर काट रही हो यार बेब, काटे पहले कभी? कब कब? बटर चिकन बना रही, दिल्ली वाला बटर चिकन बेबी। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम क्रिस्पी भिंडी आलू और किचन में आज हमारे साथ है आंचल। आंचल दाल बना रही है, आंचल इज आल्सो फुल ग्रेट लेकिन स्वाद भी तो होता है जब मैं बनाता हूँ, तुम वो कंपैरिजन मत करो मेरे साथ। नहीं स्वाद होता है, मैं कह रहा हूँ लेकिन मेरे स्वाद और तुम्हारे स्वाद में फर्क है। मेरा नॉर्थ का स्वाद है, तुम्हारा यहाँ का स्वाद है, महाराष्ट्र का। रैपिंग महाराष्ट्र? नो आई एम नॉट, आई एम, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस एंड पीपल नो इट। क्या लूं बेब, फेंक दो ना। तुम फेंको ना बेब, तुम बहुत अनरीजनेबल हो रही हो। चलो ठीक है, लाओ कुछ दो यार, जल्दी दो। असिस्टेंट का काम होता है चीजें नहीं फेंकना। मैं आज असिस्टेंट नहीं हूँ, आज मैं कस्टमर हूँ। तुम असिस्टेंट ही हो। लाओ अच्छा दो, फिर असिस्टेंट को बताओ क्या काम है। लाओ ये गार्लिक में काट देता हूँ, गार्लिक मुझे बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे उस फिल्म में उसने बताया था बेब, वो बिल्कुल पतला पतला ब्लेड से काट के। वही वैसे काट रही हूँ। ठीक है, कौन सी फिल्म थी यार? रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं था उसमें, ये था अपना बेब। कौन है वो अपना बेस्ट एक्टर कौन है? अल्पचीनो। अल्पचीनो भी नहीं, दूसरा अल्पचीनो के बाद अल्पचीनो उसमें था। अल्पचीनो, अल्पचीनो था ना गॉडफादर में। रॉबर्ट डिनीरो की एक फिल्म है बहुत पुरानी, उसमें वो लोग जेल में होते हैं और मीट बना रहे होते हैं तो उसका एक दोस्त ब्लेड से गार्लिक काट रहा होता है, कहता है इससे आएगा टेस्ट, ब्लेड से एकदम पतला पतला। क्या हो गया, इसमें से पानी नहीं निकला आज? तुमने पानी ज्यादा कर दिया ना। चलो मेरा वीडियो अब वो प्रीमियर होने जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ उनको वो करने, लाइव कॉमेंट करने। ठीक है चलेगा, यहाँ खड़े रह के करो प्लीज, 2 मिनट्स यहाँ खड़े रह के करो ना प्लीज, मुझे कंपनी दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद, बाय बाय। बेबी ये भिंडी आलू तुमने यहाँ सजा के रखा, बनाओगी कब?
जोकिंग बॉबी जोक आई एम सॉरी यार बॉबी नो स्ट्रेस ना नो आराम से तो तेल की हेल्प कर रहे थे ना तुमने और तेल खोल के डालू थोड़ा सा तेल कढ़ाई में गरम करो और उसको जिप लॉक में नहीं लगाना चाहिए आई थिंक मैं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरी बात सुनो टेम्पररी एक बार जब खाना बन जाएगा आदमी खाना खा लेगा ना कल मुझे कोई और परेशान कर रहा था खाने के लिए मुझे खाने में परेशानी नहीं चाहिए मैं कह रहा हूँ एक बार खाना बन जाएगा फिर किसी भी डब्बे में डालेंगे किसी भी डब्बे में नया डब्बा खरीद के लेके आएंगे कंटेनर लेके आएंगे अभी खाना बन जाए बस है ना नहीं बन पा रहा तुमसे तो बता दो मैं बना I'm feeling sad for you guys that you guys are not better in person great girl ये तो नहीं हो पाएगा ये लो मैं कर देता हूँ ये लो तुम ये पकड़ो ठीक है बुझ रहा वो मुंह से खोल रहे थे देखा तुमने खोल रहा था मैं वो जोक था लेकिन मतलब डाल के बाहर निकाल दिया ना अब बताओ कितना तेल चाहिए डालो 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 और डालो फ्राई करना है ना बस बस बेब ज्यादा हो जाएगा ठीक तेल थोड़ा कम खाना शुरू करना बट आई एम टू स्मार्ट ना बेब आई डोंट हैव टू एक्ट स्मार्ट पूरी दुनिया मेरे स्मार्टनेस की गुण गा रही है तुमको मैं स्मार्ट नहीं लगता तुमको तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड स्मार्ट लगते हैं ये डालो हाँ लाओ चलो मैं जा रहा हूँ दोस्तों वरना थोड़ी देर में अब ये नहीं, नहीं मैं नहीं चलाऊंगी करो तुमको जो करना है इसका पर मेरे को वो चाहिए ये खोलो आज तो ब्रो अलग ही वाइब हो रही है लाइफ में ब्रो स्वीटनेस मतलब नेक्स्ट लेवल जा रही है और लाइफ एकदम सॉर्टेड लग रही है दिन भी एकदम सॉर्टेड लग रहा है ऐसा लग रहा है बहुत मस्त कुछ व्लॉग व्लॉग भी बन के आ जाएगा आज तो मेकअप करोगे मेरा मेकअप तुम्हारा मेकअप करके लेकिन जाओगी कहाँ तुम मेकअप तो मैं कर दूंगा मेकअप चैलेंज ना ड्रंक मेकअप चैलेंज ड्रंक मेकअप चैलेंज वो मैं कर सकता हूँ गिरा दिया क्या सब तेल वेल नहीं शायद मेरे से थोड़ा घी रखो देख के नहीं कर रही हूँ मुझे लग रहा है और ये तेल अच्छे से जगह पर रख दो पीछे ये सब हटा दो एक मिनट हट जाओ हट जाओ बेब ये तो दाल बहुत ही अरे गाढ़ी लग रही है हट जाओ हट जाओ हट जाओ तो स्कैरी पनीर रूम द फर्स्ट टाइम आई डू तड़का आई पुट अ फायर लाइक ऑन इट Yeah. मेरे साथ भी हुआ है मेरे घर पे भी एक बार हुआ था मैं तो किचन में था मैं नहीं था मम्मी थी किचन में और अचानक से मुझे शैडो आया बहुत बड़ी आग का और मैं इतना डर गया मैं भाग के गया तो मैंने देखा तड़के की आग थी वो कुछ लोग डालते हैं हम लोग नहीं डालते हैं ठीक है आजकल जिस दिन खाना बनाती है उस दिन खाने में आइटम कम हो जाते हैं स्मार्ट तुम बन रही हो अपने आप को ज्यादा गू खाओगी गू ये बोलो ऐसे लोगों को बोलो वो सब जानते हैं कितनी अच्छी है मैंने तो जो अपने घर पे सीखा मेरे घर पे ऐसे ही बोलते हैं लोग ज्यादा कोई बात कर देता तो तू बोलते जा तू गू खाएगा बेब आई कांट टेल यू सीरियसली इट्स टू गुड ऐसा वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ पर एक्चुअली मैं मतलब वीडियो के लिए तो बोल ही रहा हूँ क्योंकि यू नो बिग बॉस हाउस है ये पर वेज फूड और घर में जो भी पड़ा है वो खत्म हो जाए बाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस गुड इवनिंग क्योंकि सुबह उठा था यार बहुत मैंने वो जल्दी उठा फिर वीडियो जो एडिट करी और फिर डाला मैं बहुत थका हुआ था तो हम लोग बढ़िया आज आंचल के हाथ का खाना खा के सो गए अब सो के उठे हैं अब हमें वापस भूख लगी है तो हम आज फिर कभी कुछ खाएंगे और आज हमारे पास खाने के लिए क्या है वे वाह होम ग्रोन मशरूम हमारे अपने आंचल के मतलब उगाए हुए मशरूम बेब कुछ भी खिला दो बहुत जोर से भूख लगी एक तुम्हारा एक मेरा और ये मशरूम आधे आधे कर लेंगे हम हाँ वो मैं लूंगा तुमको तो नहीं चाहिए था ना मुझे चाहिए नहीं पर अब मुझे चाहिए नहीं नहीं ले लो यार ऐसी बात अरे स्पाइसी मैं बच्ची तो है ना दोस्तों बहुत मजा आ रहा है ठीक है लाइफ में और क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने खाना बनाया नहीं यार क्योंकि मैं शायद गोवा जा रहा हूँ मेरे पापा के साथ एक हिचहाइकिंग ट्रिप पे इजंट दैट अनबिलीवेबल तो मैं बताता हूँ मैंने अपने पापा को पूछा मैंने पापा क्या हम मैं आप फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रेंथ है हमारे में कि हम एक हिचहाइक कर सकें या कुछ भी कर सकें तो पहले वो ना 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 कह रहे थे पर उन्होंने कहा आइडिया अच्छा है
और तो फिर मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम कहीं पहले छोटी जगह जाके ट्राई करते हैं जो पास में हो। तो उन्होंने बोला गोवा या गुजरात या ऐसी कहीं जगह जाके देखते हैं हिचहाइक करके। पहले वो बोल रहे थे कि अभी कोविड का टाइम है, ये है वो है, मुश्किल है। मैंने कहा पापा सब प्रिकॉशन लेंगे, सब अच्छे से करेंगे, ज्यादा हम रिस्की वाला काम नहीं करेंगे। अगर हेक्टिक लगा तो एक बजट बना लेंगे कि दिन का 500 रुपए, पर मेरा तो प्लान ये है कि हिचहाइक करके और काउच सर्फिंग करके और यू नो कोई मतलब मैंने होटल्स और इन सब जगहों को भी मैं मैसेज कर रहा हूँ कि मैं आपकी जैसे प्रॉपर्टी को अगर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे प्रमोट कर दूंगा अगर आप मुझे एक रात वहाँ रुकने दें। तो मुझे कुछ कुछ लोगों के रिवर्ट भी आ रहे हैं गोवा से, तो आई थिंक मेरा 12th को एक लास्ट शूट है, उसके बाद मैं और डैड प्लान करेंगे और आई थिंक इट बी एपिक। एक बाप बेटा बेब सोचो पूरे इंडिया हम घूम ले ऐसे ही हिच हाइकिंग और काउच सर्फिंग करते हुए, तो हिस्ट्री में नाम आएगा फिर हमारा। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, बहुत। सैड फॉर आंचल, आंचल का तो ऑफिस है। मैं और पापा तो बियर पियेंगे वहां पे गोवा में, सारे पैसे जो हमारे ट्रैवल के रहने के खाने के बच जाएंगे तो फिर उसमें तो हम सब बियर उड़ा देंगे ना। बहुत ही जेन्युइनली मैं ये जो पूरा ट्रैवल करना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया, मैं ये किसी कॉज के लिए करना चाहता हूँ। और मेरे दिमाग में जो कॉजेज हैं वो हैं जेंडर इक्वालिटी है, मेरे दिमाग में जो कॉज है वो है जो एनिमल्स पे इतनी क्रुएल्टी होती है वो एक कॉज है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई कॉज है जो आपको लगता है मुझे उसके लिए ट्रैवल करना चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी के अभी कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा मैडनेस होने वाली है। ये देखो दोस्तों, ये हमारे घर के बने हुए, घर के उगाए हुए मशरूम्स। द लिटिल कड़वा, द वाइट वन, दिस, दीज आर ओल्ड, दीज वंस आर न्यू। They are too good. Yeah? अच्छे लग रहे हैं, मतलब मेरा favorite shiitake है। But the mushroom, the taste and it's too good. For that particular perfect fresh. Seriously? How are you feeling, Bobby? Good. Hmm? I was so hungry. No, how are you feeling about your mushrooms? You're eating them. Oh, I'm feeling amazing. Can you please try this again and tell me? Eating your babies. आंचल थैंक यू मेरे भाई। व्हाट इज दिस? सम मटन। हाय गाइस, सो संडे हमने सिर्फ खाया है दिन रात, और क्योंकि मैं शूट के बाद बहुत थका हुआ था और क्योंकि व्लॉग्स भी साथ साथ में बना रहा था, मैंने सैटरडे को भी व्लॉग बनाया था पर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी तो मैं एडिट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सुबह स्टोरी डाली कि आज व्लॉग नहीं आ पाएगा, पर जब मैंने वो स्टोरी डाली इतने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए थे कि अंशुमन यू कांट डू दिस। मैं उठा, अभी मेरे में एनर्जी आ गई है, मैंने एडिट किया और अब आप वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं बहुत जल्दी पूरा इंडिया का टूर भी करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो बस स्टे ट्यून्ड। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू, हैव अ गुड डे।